वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव में एक जनप्रतिनिधि की घिनौनी हरकत सामने आई है। आपको बता दें कि बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं करने देने पर मां और बेटी को गांव के एक दबंग वार्ड सदस्य ने हजाम को घर पर बुलाकर सिर मुंडवा दिया। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। गाँव के कुछ लोग पीड़ित माँ बेटी को भगवानपुर थाना लेकर आए और मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने सिर मुंडन करने वाले हजाम और वार्ड सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि वार्ड सदस्य महिला के बेटी पर बुरी नजर रखता था और इसे लेकर बराबर बेटी को परेशान करता रहता था, लेकिन बुधवार को घर में घुसकर महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इसका विरोध मां बेटी ने किया। इससे गुस्साए वार्ड सदस्य ने घर पर हजाम बुलाकर दोनों का बाल मुंडन करवा दिया। इस घटना ने 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है और जिसमें पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो इसलिए हम लोग उसको मना किए। बहुत आदमी यहाँ पर घर में और जबरदस्ती करके उसको नहीं करने दिए, तो वो गलत करना चाहता था। उसके बाद सर छीन लिया और बाद में गलत इंजाम का उद्भव उठा दिया। बहुत मारा बहुत आदमी। गोपालगंज में रास्ते के विवाद को लेकर बदमाशों ने एक युवक पर तेजाब से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के हीरा पाकर गांव की है। आपको बता दें कि घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने बताया कि गाँव के मुकुल प्रसाद, धर्मेंद्र प्रसाद आदि लोग सार्वजनिक रास्ता को बंद कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर मारपीट हुई। इस दौरान 3-4 युवक तेजाब लेकर पहुंच गए और विजय सिंह और उसके परिजनों पर तेजाब फेंक कर से फरार हो गए। वही मामले पर एएसपी ने परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। वही लखीसराय में पैसेंजर ट्रेन में अपराधियों ने केनरा बैंक के एक कर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी। वही परिजनों ने इस घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस को पोस्टमार्टम करने से भी मना किया। इसके साथ ही उन्होंने लखीसराय सिकंदरा सड़क को जाम कर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि कर्मी गया जमालपुर पैसेंजर ट्रेन से जा रहा था, जिस दौरान अपराधियों ने हमला कर दिया। मृतक मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वही पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पटना सिटी में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव फतुहा थाना क्षेत्र के NH 30 के किनारे रसलपुर इलाके में बरामद किया गया है। वही शव देखने से पता चलता है कि युवक की हत्या गोली मारकर की गई है। फिलहाल पुलिस शव को पहचान और मामले की जांच में जुट गई है। धनबाद PMCH के ICU में आज सुबह महिला मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर जमकर निशाना साधा और नर्स पर इलाज के बदले पैसे मांगने का गंभीर आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि बिहार के जमुई जिले की रहने वाली बसंती देवी को चेस्ट इन्फेक्शन था। जरिया में रहने वाली बेटी ने इलाज के लिए ICU में शनिवार को भर्ती करवाया था। परिजनों ने बताया कि आयुष्मान योजना से इलाज की मिन्नत की कर्मियों से की। आधार और राशन कार्ड होने के बावजूद सिटी स्कैन में 1,750 रुपए ले लिए गए। इसके अलावे ब्लड जांच के लिए भी पैसे लिए गए। समय पर जांच रिपोर्ट नहीं दिया गया और इलाज में कोताही बरती गई, मसलन मरीज की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने तरह तरह के गंभीर आरोप लगाकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान मुख दर्शक बने रहे। हंगामे के दौरान ICU में भर्ती मरीजों के परिजन भी परेशान दिखे। उसके बाद हम पानी निकालेंगे। अच्छा, मम्मी का शुगर टेस्ट के लिए 50 बार हम लोग गए हैं। सर रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट दीजिए, मगर नहीं दिया। इन लोग आप बता कि नहीं कल मिलेगा रिपोर्ट, जबकि पेशेंट हमारा एकदम गंभीर अवस्था में है। आज तो दम तोड़ दी। डॉक्टर्स लोग यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब पैसा लेता है, बोले ना, सब कोई पैसा लेता है, उसी को देखता है। जो गरीब रहता है उसको कोई नहीं देखता है सर। भागलपुर में पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। गुस्साए लोगों ने अलीगंज महेशपुर सड़क को जाम कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लगातार पानी और बिजली की समस्या बनी रहती है, जिस वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। यही नहीं, पानी की समस्या को लेकर लोगों ने वार्ड पार्षद से मिलने की मांग की है, लेकिन उन्हें सिर्फ मिलने का आश्वासन दिया जा रहा है।
हिसाब नहीं होता है भैया, खाना नहीं बन रहा है, मैं पानी पी लूं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? तकलीफ है, हमें पानी नहीं है, पानी चाहिए हमको। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? पानी बात का बोला कि काम कर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, कैसे करवा रहा है बोलिए। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र के महादलित टोला में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने सड़क जाम किया। महिलाओं का कहना है कि पिछले एक वर्ष से चापाकल खराब होने के कारण पेयजल की किल्लत झेल रहे हैं, जिसकी शिकायत भी की गई थी मगर आज तक उसे ठीक नहीं कराया गया, जिसके कारण आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। पानी लिए दिक्कत है, आप कुछ रोड नहीं जाम है, हमारा खाली पेट की तकलीफ है, खाली पानी की तकलीफ है, सालों भर से कल बिगड़ल है, नहीं कोई नहीं पानी देता है, गिरह से चलता तो जाता, लाने तो नहीं लाता। सरायकेला के धातकंडीह गांव में मॉब लिंचिंग की घटना के बाद जेल में तबरेज अंसारी की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। गांव के लोग काफी दहशत में हैं। गांव की ममता के नेतृत्व में 34 महिलाओं के सरायकेला थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं प्राथमिकी के अनुसार 24 जून शाम कुछ अज्ञात लोग चरपहिया वाहन से गाँव पहुंचे और महिला को गालियां देने लगे। अपराधियों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म और लूटपाट करने के साथ बम से उड़ा देने की धमकी दी। वे लोग जिस वाहन से आए थे उस पर AIMIM पार्टी के बोर्ड लगा हुआ था। वहीं जाने के दौरान उन लोगों के पास के मंदिर में लगे ध्वज को क्षतिग्रस्त कर दिया। महिलाओं ने बताया कि उनके जाने के बाद से गाँव के लोग और दहशत में आ गए हैं और डर से गाँव के सभी पुरुष घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। झारखंड के सरायकेला में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी के लिए फारबिसगंज में जाप छात्र ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि आज कल युवा को उन्मादी बनाया जा रहा है, अभिभावक गण हमें सांप्रदायिक बनने से बचा लीजिए। साथ ही कहा कि नफरत को मोहब्बत से जीतने दीजिए। एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम मुजफ्फरपुर के अलावे बिहार के अन्य जिलों में भी तेजी से पैर पसार रहा है। बुधवार को अररिया रमैया गांव में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं नालंदा के सलेमपुर गांव में 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। दोनों को अचानक तेज बुखार आया, इसके बाद अस्पताल लाया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से हो रही बच्चों की मौत पर आखिरकार राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जिसे लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत होना शर्मनाक है, ये हमारी नाकामी है। आधुनिक युग में भी इस बीमारी से बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं, ये हमारे लिए नाकामी है। इस पर हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, हम राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हैं। बिहार के चमकी बुखार की भी चर्चा हुई है, हम सभी के लिए दुख की बात है और शर्मिंदगी की बात है कि आधुनिक युग के अंदर, और मैं मानता हूं पिछले 7 दशक में सरकारों के रूप में और समाज के रूप में हमारी जो कुछ विफलताएं हैं उसमें ये एक सबसे बड़ी विफलता है, उन विफलताओं में से एक विफलता है, और इसको हम सबने गंभीरता से लेना होगा। मुझे विश्वास है कि ये जो दुखद स्थिति है, मैं राज्य सरकार के नीति संपर्क में हूँ, मैंने हमारे देश के आरोग्य मंत्री को भी तुरंत वहाँ दौड़ा था और मिलकर के मदद कर करके उसमें से जितना भी जल्दी हो सके संकट में से सबको बाहर निकाल सके, पोषण हो, टीकाकरण हो, सुरक्षित मातृत्व हो, आयुष्मान भारत योजना का लाभ हो, ये सारी चीज़ों का जितना ज़्यादा हम प्रचार करेंगे ऐसे संकटों से हम बचा पाएंगे। और आज एक राज्य में है, कल किसी और राज्य में हो सकता है, हमने ही एक प्रोएक्टिव होकर के ऐसी समस्याओं से लोगों को बचाने के लिए काम करना होगा।
एक्यूट इंसेफ्लाइटिस को लेकर मुजफ्फरपुर और कई इलाकों में मुख्यमंत्री के आदेश पर सर्वे किया जा रहा है और कुछ इलाकों में 1 जुलाई से सर्वे किया जाएगा। इस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के जीविका समूह की महिलाएं करेंगी। वहीं सर्वे के प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से मरने वाले अधिकतर बच्चों के परिवार कच्चे मकान में रहते हैं और 30% परिवारों को राशन केरोसिन कार्ड भी नहीं मिला है। राज्य भर के एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में 60% सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले के हैं। वहीं 80% मामले मुजफ्फरपुर जिले के 5 प्रखंडों से हैं। वहीं बारिश होने के कारण बड़ी राहत मिली है। अस्पताल में भर्ती होने वाले एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के पीड़ित बच्चों में कमी आई है। इस सबकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, जिस तरह से एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम मुजफ्फरपुर और कई इलाकों में फैल रहा है, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सर्वे किए जा रहे थे, क्या कुछ सर्वे में बात निकल के सामने आई है? सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को एक आदेश दिया था कि एक्यूट मुजफ्फरपुर इलाके में इतने बच्चों की मौत क्यों हो रही है, ये तमाम जाँच हो रहे थे। स्वास्थ्य विभाग को इसका जिम्मा सौंपा गया था। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर के 4 प्रखंड जो है मुशहरी, मीनापुर और बोचहा और एक और प्रखंड, 4 प्रखंड में जो है ज्यादातर AIS के मामले आए हैं और वहां के बच्चों की ज्यादा मौतें हुई है। और जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि वैसे परिवार जो कच्चे के मकान में रहते थे उनके बच्चों की मौत ज्यादा हुई है। वैसे लोग जिनको राशन कार्ड उपलब्ध नहीं था तो वैसे बच्चों की ज्यादा मौत हुई है उनके परिवार में। तो ये बड़ी चिंता का विषय जरूर है कि आखिर कहीं ना कहीं सरकार के जो विभाग है, खासतौर पर खाद्य उपभोक्ता विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, ये तमाम विभाग जिसके तक आते हैं, ये बड़ी कहीं ना कहीं खामी है कि आखिर इतने दिनों बाद भी इन लोगों के परिवारों को जो है वो पक्के मकान क्यों नहीं मिल पाया, तो इन लोगों को इंदिरावास क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति जो है वो कच्चे मकान में नहीं रहेंगे, उनके पक्के मकान होंगे। तो ये बड़ी चिंता का विषय जरूर है कि वैसे लोग बच्चों की मौत हुई है जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी, जिनके घर में राशन कार्ड नहीं था, जिनको छत का मकान, पक्के का मकान नहीं था, वैसे परिवार के बच्चों की ज्यादा मौत हुई है। तो ये बड़ी चिंता के विषय जरूर है और प्रारंभिक रिपोर्ट या ये रिपोर्ट पूरी तरह से पूरी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो सरकार इस पर कड़ा एक्शन जरूर लेगी, लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट काफी चिंता का विषय है, खासतौर पर सरकार के लिए कि सरकार इतनी योजनाएं चलाती है इसके बावजूद जो है वैसे परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और लगातार जिस तरह से मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत हुई है ये चिंता के विषय। बिल्कुल, तो जिस तरह से रिपोर्ट आई है ये काफी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार के द्वारा चलाए गए सारे जो लाभ है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अवनीश बहुत बहुत धन्यवाद।